नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम, और सागर खेरका देखने वाले भी सारे दर्शकों मेरी हाथ जोड़ राम राम। आज पहुंचे हैं विधानसभा बादली के अंतर्गत आने वाले जो है खेरका गुजर गांव के अंदर में, जो आज चुनाव का अखाड़ा बिल्कुल गर्म तत्व खड़ा है। और हमारे पास में जो तस्वीर देख रहे हैं, आज ये भी अपनी ताल ठोक रहे मैदान में कि हम भी उन पहलवानों में से एक योद्धा हैं। आज इनसे पूछेंगे कि इस खड़े में उतरे चुनाव की रेस में क्या विचार है इनको इनका, और हल्के में क्या चाहते हैं ये। तो ज्यादा समय ना गवाते सीधी सीधी बात करना चाहेंगे। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। एक बार दर्शकों को अपना, सबसे पहले तो दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम जी। और भाई 15 अगस्त, जन्माष्टमी, गुग्गा नवमी की हार्दिक बधाई हो दिल से। जी जी, थैंक यू। सभी अपना जो है त्योहार खुशी खुशी मनावे, आपसी भाईचारे ने बना कर रखे जी। ये जो हमारे पास में तस्वीर है, इनका शुभ नाम है जयपाल उर्फ काला नंबरदार, गांव खेड़का गुजर, फिर बता दू विधानसभा बादली। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, चर्चा में आई बात है कि दो पलाना आपने सरपंची का काम का संभाला आपके परिवार ने, और फिर बताया जा रहा सुर्खियों में नाम है एक समाज सेवी के रूप में जो है, फटाफट बताओ समाज सेवी के रूप में, और क्या बताना चाहेंगे सरपंची का विकास कौन संभाला, बागडोर खुद या पिताजी या भाई? देखो जी, सरपंच मेरे पिताजी बने थे 2 बार, लोक समिति के मेंबर भी रहे हैं, समाज सेवा में खूब हिस्सा बिस्सा सारे को वांड में अच्छी तरह अपने रखे जी। और भाई हम भी पारिवारिक जिम्मेवारी हमारे पे भी आ गई, हमने भी अपने पिताजी वाली जिम्मेवारी जैसे कि तैसे निभाई है जी, जी, जी। और बाकी जहाँ भी समाज ने हमारी जरूरत पड़ी पूरे हम जो है ना समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे गौशाला का काम होया, चाहे वो धर्मशाला का, मंदिर का, खेल कूद का, या स्टेडियम बनवाया, इसमें सब में जो है ना अपना पूरा योगदान रहा है। आपसे अपने गांव में भी भाई, साथ वाले गांवों में भी सर तो समाज से अपना गांव पड़ोसी भी एक बात है जी, कहीं भी हो जाओ। अलकार से हरियाणा में भी होया, हमने जहाँ जरूरत पड़ी, चाहे किसान आंदोलन की जरूरत पड़ी या भाई सामाजिक आंदोलन की जरूरत पड़ी, उसमें भी अपना पूरा हिस्सा हिस्सा रखा है। एक सीधी सीधी बात करेंगे नंबरदार जी, ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन क्यों करी आपने, इसमें क्या देखा आपने? कांग्रेस पार्टी मैम, पहले मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, दादा भी थे जी, जी, भाई फिर हम भी, मारा तो पैतृक काम है जी, जी, जी। इसी पार्टी से जुड़ रहे हो? इसी पार्टी से जुड़ रहे हैं शुरू से ही। शुरू से। अच्छा अच्छा। अब बात करते हैं विकास की और हल्के की। हाँ जी। तो घूमते थोड़ा विकास की और हल्के की, तो इसमें आपके हल्के में ऐसा क्या विकास रुका हुआ है जो एक जयपाल उर्फ काला नंबरदार उसको पूरा कराने की जनता से जो ताल ठोक रहे हैं, हाँ ये विकास अटके हुआ रुका हुआ, हम कराएंगे वो? देखो सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की है युवाओं की जी। युवा बच्चे जो है पढ़ रहे हैं जी, जी, बड़ी महंगी पढ़ाई है जमाने में, और इतनी महंगा पढ़ाई में जो करते हुए और फिर रोजगार नहीं मिलता, माँ बाप भी टूट ले हैं और बच्चे की भी हिम्मत टूट जाए, उस करके फिर जब बच्चे की हिम्मत टूट जाए है तो कहीं भी शिकार हो जाए, वो अपराधियों में भी बढ़ जाए है, भाई कितना नशे का भी शिकार हो जाए। हाँ जी ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों के रोजगार की समस्या है, उसको भाई जितना भी हो सकेगा हमारे तक उसने मिलजुल कर भी दूर करवावेंगे, सरकार से मदद लेंगे और भी समाज से मदद लेकर बच्चों को रोजगार के लिए जो प्रेरित कराएंगे। ये विकास की बात आई है जी, फिर एक और सामने बड़ी चट्टान बन के खड़ी है आपके सामने, बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं और महा अनुभवी है, अगर उनके अनुभव की और ताकत का अंदाजा लगाए तो ये समझते हैं कैसे पैर टिक पाएंगे, जगह तो एक सुई टेकने की भी नहीं है। एक बार बताऊंगा आपने मैं जी, आप तो उन अनुभवी मान रहे हो और हम ना मान रहे जी। जी वो क्यों जी, वो कैसे? ना तो उन को काम हल्के मीसा करके दिखाया जी, सब ने अदल बदल के भी मौका लिया है, अदल बदल के मौका दिया है, की करया है जी, जी। जज्जर से बहादुरगढ़ तक पैदल चलने का भी रास्ता नहीं जी, और जबकि मंत्री भी रह लिए, विधायक भी है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं। पहले मैं बताया था भाई को ना कहने वाला ना सुनने वाला, ये तो एक किस्म से मतलब पिछड़े वर्ग हो गया जी। हाँ बिल्कुल पिछड़े वर्ग हो रहा है, ना कोई पानी की सुविधा, ना खेतों की सुविधा, ऐसा क्यों हो रहा है पक्षपात भाई? वो बहुत लंबे समय तो बादली पिछड़ रहा है, पहले भी विपक्ष में बादली रहा है,
जब चौधरी देवीलाल की सरकार बने थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, देवीलाल की तरफ रुझान था। जी जी, इस तरह का उल्ट पुलट इनका तालमेल बैठे नहीं लिया, कोई दिग्गज बने नहीं लिया जी, आदमी ने बनाओ सही माने में दिग्गज तो जनता है, जनता है, जिसको चाहे उसको बनाए, जिसको चाहे उसको बनाओ जी। आज जनता अगर सीधी सीधी आपसे जुड़ रही है और आपकी बातें सुन रही है और समझ रही है, एक कड़ा सवाल सबसे पहले, जो आप यूं देखे ना कि जनता आपको मौका दे और ये सीट आपको विधानसभा बादल की मिले, तो सबसे एक पहले क्या ले चलेंगे, हमने ये काम करना है, ये ठोकरी ठोकरी हमने। पहले तो बेरोजगारी की समस्या दूर करनी है जी, फिर सड़कों की समस्या है, जाने आने का रास्ता सबने चाहिए, हर जमाने में सबके पास व्हीकल है जी, और एक बढ़िया मारा सबसे पुराना रोड है बहादुरगढ़ से झज्जर वाला जी, इसमें जो के एम पी बना, जब ये पहले ये खूब आवाज आई थी भैयाड़ी तो जो है ना उतरन चढ़ने का बनेगा बनेगा बनेगा, ये पुल भी इस टाइप के बनाया था, लेकिन नहीं बन पा रहा ना, लोग आवाज उठा रहे ना ये नेता आवाज उठा रहे। एक चीज बताओ जी, जब ये लोग आवाज उठाओगे तो बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बेटे। देखो वैसे तो सरकार ने देखना चाहिए था, जो पुराना रोड पहले इसको कहते थे मिलिट्री रोड जी, और मारे तो जो पहलड़ी दो पीढ़ी थी उनके आगे भी ये कच्ची ककरों का भी रोड था, जब सबसे पुराना रोड यो रहा तो इस पे बहुत जरूरत थी, मतलब सबसे पुराना रोड यो मिलिट्री रोड भी और इसी पे आंख मीच दी, इसी पे आंख मीच दी, ऐसा क्यों हो रहा है? यो एक द्वेष है हमारे साथ, पक्षपात है, क्या इन नेता लोगों का सरकार का, सरकार का रहे है। एक और चीज है, यहाँ एक ऐतिहासिक भी रहे है, ऐतिहासिक पॉइंट जो है नवाबों को लेकर राजधानी को लेकर, थोड़ा जनता को वो और बताओ जी। देखो हमारा जो झज्जर है यो बहुत पुराना जो है ना शहर है, किसी टाइम पे बताए हैं यो बहुत पहले भी जला होता था, लेकिन यो बाद में तहसील रह गया था इसी पक्षपात के चलते, फिर यो दोबारा जो है ना जला बनया था, लेकिन विकास वाली बात जो है ना गले नहीं उतरी, जो होना चाहिए था जले, तो जो उम्मीद होती है वो उम्मीद मतलब वो पूरी हुई, मतलब जो लोग उम्मीद कर रहे थे शिक्षा दीक्षा को लेकर, रोड विकास को, जॉब को लेकर, बेरोजगारी को, हमारे बुजुर्गान है इलाके के सब झज्जर के जो आसपास के 20-30 को उसके दिन थे, बहुत पहले नेहरू कॉलेज को बनवाया था शिक्षा के लिए जी, और जब इसमें शिक्षा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो है ना इसमें ना तो कोर्स रहे ना नए नए कोर्स आवे हैं, भाई टेक्निकल कोर्स आवे हैं तो वे सबसे पहले आने चाहिए जी, कोर्स ही नहीं होंगे बच्चे कामयाब कहाँ से होंगे, कामयाब कहाँ से होंगे, पॉलिटेक्निक है। और फिर एक और चीज, दिल्ली बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है आपका, बिल्कुल दिल्ली के, और ये इतना पिछड़ा हुआ तो दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर जाएगा तो भी नहीं मिलता है सर। हाँ, वे भी आ गए हमारे थे जी, रोड विकास तो वहाँ भी काफी अच्छे रोड है, यहाँ जो है हमारे यहाँ दिल्ली से अगर एयरपोर्ट से पहले ये कहते थे करो के जरिए, मतलब काग की उड़ान से नापते थे, तो सारा 30 किलोमीटर है, लेकिन ये हालात देखो, हालात ठीक नहीं है, वो 30 किलोमीटर का बना दिया 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के 500 बने रहे जी, क्यों रास्ता नहीं हो, क्या रास्ता है जी। आज जो आपने जयपाल उर्फ कारा नंबरदार जी, इनके विचार आप लोगों ने सुने हैं विकास को लेकर, बेरोजगारी, रोड, हेल्थ, शिक्षा दीक्षा, इनको लेकर ये विकास तो हर क्षेत्र में जरूरी है, नई जनरेशन के लिए, कामयाबी के लिए, गरीबी हटाने के लिए, ये विकास क्यों नहीं हो रहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और अगर जनता इस काबिल इनको समझती है ये विकास करा सकेंगे, और ये इनको दर्द भी है हल्के विकास ना होने पर, तो आप लोग इनकी तरफ भी और आशीर्वाद बनकर सामने जरूर आना। एक बात और कहूंगा आपको, सरकार प्रेजेंट कोई भी हो जी, सरकार के खिलाफ जो बोल रहे उसको कदम नहीं करना चाहिए जी, उसकी आवाज सुननी चाहिए, जाननी चाहिए, और कुछ ना कुछ अनुभव लेकर उससे और पूछना चाहिए जी, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो रहा है जो आवाज उठावे है उसका दमन करें जी। ना तो एक संत की वाणी में आया है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छपाए, तो निंदक तो नजदीक होने चाहिए, पत्रकार महोदय है जैसे भी है भाई, किसी क्षेत्र में कोई समस्या है, कोई समस्या है तो उसका तो पत्रकार आता ही पता लगेगा जी, बिल्कुल, और उनको अहमियत देनी चाहिए इस बात की जी, छूट भी देनी चाहिए, लेकिन ये तो दबाव है सबने, ये कोई काम थोड़ी है ना जी। तो
ये देखा आप लोगों ने, तो इसको जा जा शेयर भी कर देना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद, सत्य में जयते। नमस्कार नमस्कार सब भाइयों।